तो स्टूडेंट यार काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी क्वारी रहती है रिगार्डिंग दिस यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी स्पेशल गर्ल्स स्टूडेंट। तो यहाँ पे देख सकते हो अंडर ग्रेजुएट के अंदर काफी सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे एडमिशन का क्या प्रोसेस रहने वाला है भैया? क्या यहाँ पे एडमिशन का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है? और अगर रिलीज कर दिया तो क्या सारा एडमिशन का प्रोसेस है भैया? यहाँ पे एडमिशन कैसे होता है, कैसे हम एडमिशन ले सकते हैं? तो यार इसके लिए हमारा जो है सेपरेट एक सीयूटी गाइडेंस प्लान चल रहा है। सीयूटी की फुल काउंसलिंग ओनली फॉर 1499 रुपए में, इंडिया के सबसे बेस्ट सीयूटी काउंसलिंग हम दे रहे हैं। तो आप जिसका भी इंटरेस्ट हो वो जरूर से जाके जो है इनरोल कर सकता है उसके अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देख लेते हैं यार इसका काउंसलिंग शेड्यूल। जिन भी बच्चों ने सीयूटी में एनरोल नहीं किया है गाइडेंस प्लान में, जरूर से जाके सारे के सारे बच्चे यार एनरोल कर लो, ठीक है। ये इंडिया का सबसे बेस्ट अफोर्डेबल काउंसलिंग प्लान है जिसके अंदर आपको 24 hours लाइव सपोर्ट के साथ में सारे के सारे एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग एंड कट ऑफ एनालिसिस एंड डॉक्यूमेंट प्रोसेस, स्कॉलरशिप, बेस्ट कोर्स एंड लो स्कोर एडमिशन, फिजिकल एडमिशन एंड स्पोर्ट एडमिशन, सबकी नोटिफिकेशन एंड अदर आपको पर्सनलाइज व्हाट्सएप ग्रुप, साथ में जो है आपको बहुत सारे बेनिफिट भी दिए जाते हैं। सर पहले अपन चलेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन पे। अब मैं न्यू रजिस्ट्रेशन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर मांग रहा है और पासवर्ड मांग रहा है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने जो है सारा का सारा सब कुछ डाल लिया है। अब देखो मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करूंगा, ठीक है। तो यार हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पे ओटीपी भेजा गया है। तो मेरे को अब क्या करना है, एक मेरे को जो है यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। तो जो भी है मैं 6 digit का पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद जस्ट ओटीपी डाल के लॉगिन पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो गाइस यार ओटीपी जो है वो टाइम लगता है थोड़ा, स्पैम फोल्डर में आप लोग जो है चेक जरूर करें, ठीक है। तो गाइस यार देखो मैंने पासवर्ड सक्सेसफुल क्रिएट हो चुका है, ओटीपी सक्सेसफुल हो चुकी है। लॉगिन पे मैं क्लिक करूंगा अभी, ठीक है। तो ये किसी स्टूडेंट की प्रोफाइल है, ओके। अब हम आगे बढ़ेंगे इसमें एडमिशन के लिए। तो गाइस यार सबसे पहले हमको जाना है प्रोफाइल पे, तो चलो चलते हैं यार प्रोफाइल पे। सो स्टूडेंट यार मैंने पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लिया है, इसके अंदर कोई नॉर्मल है सारा का सारा, जैसा जैसा ये मांग रहा है वैसा वैसा फिल कर दो। आगे बढ़ते हैं फिर अपन, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर हमें सारी डिटेल ये शो करेगा। अगर आपसे कोई गलती हो गई है फॉर्म में तो इसको चेक करने के बाद यहाँ पे या तो अपडेट कर सकते हो या फिर प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हो। तो यार ये यहाँ पे कुछ लैंग्वेज वगैरह मांग रहा है, तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, जैसा कि यहाँ पे मैंने सारी अपडेट डाल दी। उसके बाद मैंने हिंदी इंग्लिश के साथ पंजाबी और भोजपुरी भी डाल दी है। फिर से आपको क्वेश्चन की स्क्रीनिंग करनी है, देन प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो स्टूडेंट मैंने देख सकते हो फाइनली सारे के सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं। अब मैं सबमिट एंड लॉक पे क्लिक कर दूंगा। फिर से मेरे को ये मांग रहा है कन्फर्म लॉक, ओके। तो इस प्रकार से मेरी सारी की सारी डिटेल भर चुकी है। अब मेरे को क्या करना है, प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे ये प्रोग्राम सेलेक्ट किया था अंडर ग्रेजुएट के लिए, और बी फार्मा में सेलेक्ट करूँगा, प्रोसीड पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो यार मेरा ये एक कोर्स एड हो चुका है। अभी मैं फिर से होम पे जाऊँगा यहाँ पे, ठीक है। फिर से होम पे जाने के बाद मैं यहाँ पे फिर से अप्लाई नाउ पे क्लिक करूँगा, एंड फिर से अप्लाई नाउ पे क्लिक करके फिर से यहाँ पे देख सकते हो ये डिप्लोमा प्रोग्राम, ओके। डिप्लोमा प्रोग्राम में देखूंगा मेरे लिए कोई कोर्स है क्या, तो डिप्लोमा इन डी फार्मेसी इस पर भी मैं क्लिक कर दूंगा, ओके। तो मैं देख सकते हो सारे के सारे कोर्स सेलेक्ट हो चुके हैं यहाँ पे, मैं इतने ही कोर्स सेलेक्ट किए थे, ओके। अब जैसे मैं फॉर एग्जांपल के लिए फिर से एक बार चला जाता हूँ, अप्लाई नाउ पे क्लिक किया, प्रोग्राम पे क्लिक किया, अंडर ग्रेजुएट, मेरे पास कोई कोर्स नहीं है, मैंने सारे के सारे सेलेक्ट कर दिए थे, ठीक है। अब मैं होम पे जाऊँगा, होम पे जाने के बाद फीस पेमेंट करूंगा मैं, सबमिट एप्लीकेशन, तो यहाँ पे नेक्स्ट है। नेक्स्ट के बाद मेरे को सारी के सारी वही डिटेल शो कर रहा है, ओके। देन उसके बाद फिर से वही डिटेल सारी की सारी कि मेरे को फिर से सारे मार्क्स वगैरह भरने पड़ेंगे यार इसमें, ठीक है। तो मैं अभी जल्दी से भर देता हूँ सारे मार्क्स वगैरह। तो गाइस मैंने यार फाइनली जो है फॉर्म सबमिट कर दिया है, सारे के सारे डिटेल भर दिए हैं। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, ओके। एंड फिर से ये कुछ मांग रहा है यार, ठीक है ठीक हो गया नेक्स्ट।
फिर से मांग रहा मुझसे ये, फिर से मेरे सारे सही है। ठीक है, मैं डॉक्यूमेंट अपलोड कर देता हूँ यार अभी। तो प्यारे बच्चों, मैंने फाइनली देख सकते हो डॉक्यूमेंट सारे सबमिट कर दिए हैं। परिवे पे क्लिक करूंगा। परिवे पे क्लिक करने के बाद ये डॉक्यूमेंट मेरा सबमिट हो चुका है फाइनली। पे फीस पे क्लिक करके मैं जो अपनी फीस पे कर दूंगा अभी। ठीक है, दिस इन्फॉर्मेशन इज कॉन्फिडेंशियल, आफ्टर मैं इसको ब्लर कर दिया गया है। तो यहाँ पर मैं चेकआउट कर लेता हूँ, सारे का सारे टिक कर देते हैं। ओह माय गॉड यार, 250 रुपये ले रहा हूँ भाई। फिर आप जैसे यहाँ पे फीस पे कर दोगे, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आज का वीडियो समाप्त होता है। हमारे सीयूटी मिशन गारंटेड एडमिशन प्लान, गाइडेंस प्लान सब ऑलरेडी रनिंग में चल रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है। फुल गाइडेंस प्लान, सीयूटी एडमिशन प्लान सब कुछ हम प्रोवाइड कर रहे हैं। जिस भी बच्चे को अगर आप सच में सीरियस है एडमिशन रिलेटेड, तो जरूर से जाके जो है सीयूटी गाइडेंस प्लान ले लो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया गया गाइस। ठीक है।